मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 6,25,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 26 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 38,92,00,000 का और अपने दूसरे वीकेंड में 17,40,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 11वें दिन में 2,27,00,000 का, 12वें दिन में 2,42,00,000 का, अपने 13वें दिन में बुधवार के दिन में लगभग 2,28,00,000 का नेट कलेक्शन किया। इसी के साथ इस फिल्म के 13 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 63,29,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 75,80,00,000 हो चुके हैं। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 16 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 13 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 91,80,00,000 हो चुका है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के 14वें दिन की कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 14वें दिन में इंडिया में लगभग 2 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, रणवीर कपूर की एनिमल के कलेक्शन में मंडे से गिरावट दिखी है, जबकि सैम बहादुर के कलेक्शन में उतनी गिरावट नहीं दिख रही है, यानी सैम बहादुर और भी अच्छा खासा लंबा चलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 50 करोड़ है और अब तक के कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट साबित हुई है। इस फिल्म को इसी हफ्ते क्लीन हिट का टैग भी मिल जाएगा और ये फिल्म इसी हफ्ते 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी कर लेगी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।